जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की। बोड़ा सागर के बने नाली को रोड ठेकेदार के द्वारा तोड़ कर की गई क्षतिग्रस्त। बोड़ा सागर के बने नाली को रोड ठेकेदार के द्वारा तोड़ कर की गई क्षतिग्रस्त। बरसात के पानी लोगों के घर में घुसने लगी। दिनांक 19/7/2022 को नवीन जिला शक्ति के ब्लॉक मालखुदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोड़ा सागर में इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ी है, क्योंकि बरसात के समय में ग्राम पंचायत बोड़ा सागर के मनरेगा के अंतर्गत में बनी हुई नाली को रोड ठेकेदार के द्वारा तोड़कर की गई है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जिसके कारण में मुख्य मार्ग के पानी गांव में घर घर घुसने लगी है। पंचायत के द्वारा नाली निर्माण तालाब को भरने के लिए कराया गया था। आपको बता दें कि सपोज से फोग्राम तक रोड निर्माण के लिए 99 करोड़ रुपए शासन ने स्वीकृत की है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा सही ढंग से रोड निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही एस्टीमेट के आधार पर काम को कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटना उस रोड में घटती रहती है। हाल ही में एक्सीडेंट के कारण में वहां के एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसमें आक्रोश ग्रामीणों ने चक्का जाम किए थे और कंपनियों के आए दिन सैकड़ों ट्रक की आवागमन उस रोड में होती है, जिसके कारण में रोड की दुर्दशा आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। अगर नाली निर्माण जल्द से जल्द नहीं होता है तो गाँव वाले एवं सरपंच की ओर से रोड निर्माण कार्य को रोक कर चक्का जाम करने की बात कही गई है, जिसका संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आइए बोड़ा सागर सरपंच और सेरो सरपंच प्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। हमारे ग्राम पंचायत सेरो में आरकेएम का गाड़ी इतना चलता है तो रोड बहुत खराब होता है, उसमें खम्भा उम्भा टूटता रहता है और उसमें जान माल नुकसान होने की संभावना है, और एक साइड का रोड बना है, एक साइड का नहीं बना है, वो दब रहा है और उसमें चलने में गांव वाले को इधर उधर आने में बहुत परेशानी है। नाली का काम भी ठीक से नहीं कर रहा है रोड वाला, न रोड में बनाने में कोई गति है, और इसलिए आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है, गांव वालों को बहुत परेशानी हो रहा है। इसलिए शासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि इस काम को गति लाएँ और अच्छे से अच्छे गुणवत्ता के साथ काम करें, और खंभा को एक साइड जो साइड में लगा लगा कर पहले करें, उसके बाद रोड बनाने का काम करें, और ग्राम पंचायत में पानी का लाइन पाइपलाइन का विस्तार किया था उसको खोद दिया है, उसको बोलने से आज लगाऊंगा कल लगाऊंगा बोल रहा है और नहीं कर रहा है रोड वाला। हमारे ग्राम पंचायत में जो नाली निर्माण करवाया गया था, जिसका पानी जूना तालाब में भरता था बरसात का पानी, उसका रोड ठेकेदार द्वारा नाली को दोनों तरफ बनाया जाएगा करके तोड़ दिया गया, जिसका आश्वासन दिया गया था कि जल्द से वो नाली निर्माण करेंगे, लेकिन वह आश्वासन देने के बाद ही अभी तक उस कार्य को नहीं किए हैं, जिसके कारण मुख्य मार्ग का पानी गलियों में और घरों में घुस रहा है, जिसको ग्रामवासियों को उससे परेशानी हो रही है। और PWD के अधिकारी अगर इस कार्य को जल्दी से जल्द ध्यान नहीं देते हैं तो रोड निर्माण को बंद करके, कार्य को बंद करके हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी।